हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानलोक आर्ट एंड क्राफ्ट। गाइज, आज सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम लोग ड्राई सेट करेंगे। आप लोग क्लास वन और क्लास टू देखकर प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सो आज क्लास थ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आगे डालते रहें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने दो कलर लिया है, एक ये रेड कलर जो क्रिमसन 04 है, और एक ये सैप ग्रीन 21 इसका नंबर है। देखिए, ये बहुत अच्छा कलर होता है, इससे अगर लीफ बनाते हैं तो बिल्कुल नेचुरल लगता है। और मैंने वही ब्रश लिया है 04, और एक फ्रेम और एक कपड़ा जिस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लीफ बनाएंगे। गाइज, आप कभी भी किसी भी फ्लावर को बनाते हैं तो सबसे पहले आप लीफ और उसके डंठल को बना लीजिए, इट मीन्स जो ग्रीन पार्ट है उसको बना लीजिए, और उसके बाद आप फ्लावर बनाइए। तो गाइज, आज हम ड्राई सेट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, लीफ को आउटलाइन करने के बाद हल्के हाथों से स्ट्रोक देंगे इस प्रकार से। शुरू में थोड़ा आपको परेशानी आएगी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये आप आसानी से बना लेंगे। एक तरफ से स्ट्रोक देने के बाद फिर दूसरे तरफ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रोक देंगे इस प्रकार से। गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करती हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप पेंटिंग करते हैं तो। चलिए दूसरा लीफ भी बनाते हैं। पहले लीफ के जैसे ही दूसरे लीफ को भी बनाएंगे। आप अपने से कोई भी डिज़ाइन ड्रा कर लीजिए और इस तरीके से पेंटिंग कीजिए। दो तीन या चार डिज़ाइन बनाकर आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन बना लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
तो चलिए अब फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले तो उसके जो पीटल्स हैं उसको आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से, और फिर नीचे से हल्के हाथों से स्ट्रोक देंगे। इस तरीके से सभी पीटल्स को बारी बारी से बना लेंगे। गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी इस डिज़ाइन को प्रैक्टिस किया और क्या आपसे बन पाया। और यदि आपके मन में कोई डाउट है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पेंटिंग को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूँ। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया या नहीं। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आगे अपलोड करते रहें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देख कर प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।